यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तुम बेस्ट लेवल है GTA 5। तो जैसे कि आप लोगों को लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा, तो गाइस आपको तो यार पता ही होगा कि यहाँ पर क्या से क्या सीन हो चुका है, वो भी ट्रेवर के साथ। ये जो पीछे की तरफ बंदा देख रहे हो आप लोग, ये जो टकला है, इसका नाम जोनी है और ये मेरी वेदर का नया बॉस है। अभी कुछ दिनों पहले जो है ना, ट्रेवर और इसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, मेरे को लगा चलो ठीक है दोस्ती तो है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद इसने ट्रैवर से कहा कि पुलिस की गाड़ी चुरानी है और एक टैंक भी चुराना है। मतलब इसने जो है ना ट्रैवर को अपने नौकर बना लिया था एक तरीके से, ट्रैवर को पैसे खिलाता था। और इस टाइम जो ट्रैवर है ना, वो लॉस सैंटोस की सबसे खतरनाक प्रिजन के अंदर बंद है। और वो जो प्रिजन है ना, वो वही ओशन के बिल्कुल बीचों बीच में है। अब दिक्कत की बात ये नहीं है कि ये ट्रैवर का दोस्त बन गया और इसने ट्रैवर को फंसाया है, दिक्कत की बात यह है कि हम भाई उस प्रिजन के अंदर कैसे जाएंगे ट्रैवर को बचाने के लिए। बेटा तूने जो किया है ना, वैसे भाई मेरी से बातचीत भी हो चुकी है, ये बोल रहे कि माइकल मेरी गलती नहीं है, तेरा जो दोस्त ट्रैवर है ना, वो भाई औंधे दिमाग का है और उसने भाई इसकी भी नहीं सुनी थी। अच्छा ऐसी बात है क्या? और जो पीछे की तरफ आप लोग जो सम्बरिन देख रहे हो ना, ये सम्बरिन बोल रहे हैं कि माइकल इस सम्बरिन को लेके जा उसी प्रिजन के आसपास, वो भी अंडर वाटर। तो पागल वागल है क्या, इतनी बड़ी सम्बरिन को लेकर के जाऊंगा? गाइस मेरे को लग रहा है इसका जो ना पूरा दिमाग खराब हो चुका है। अब देखो यार, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि ट्रैवर को जो ना प्रिजन लेकर के जाया जा चुका है, वो तो इसी नमूने ने बताया, जोनी नाम के नमूने ने। और ये मेरे से बोल रहे हैं कि माइकल देख, अगर तू अपने ट्रैवर दोस्त को छुड़ाने के लिए जाता है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि इसके कुछ दोस्त उसी प्रिजन के अंदर बंद है। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, ये अपने दोस्तों को भी छुड़ाना चाहता है। चलो कोई नहीं, वो तो बाद में देखेंगे, अभी सबसे पहले जो ना मेरे को ट्रैवर को छुड़ाना पड़ेगा जैसे तैसे करके। और वो जो नमूने यार, ये क्या कब से बोले जा रहे हो बे, कब से बोले जा रहे हो तुम्हारी जो ना, मैं कब से सुन रहा हूँ ये चांटा बजा देने सब में, बैठ जाओगे आराम से। चलो छोड़ो गाइस, इनकी तो चलती रहती है, बाकी अपना बॉडीगार्ड बाहर की तरफ वेट करा भाई, गेट खोलो भाई। चलो यार यहाँ से फटाक झटाक से निकलते हैं। और ये बॉडीगार्ड कहाँ चला गया भाई, मैं बॉडीगार्ड को कब से वेट करा रखा है भाई मैंने यहाँ पर। वैसे मैं आया बॉडीगार्ड के साथ ही था, ये है कहाँ पर? हेलो, ये है कहाँ यार भाई? बिना ये भग गया मेरे को छोड़ करके। वाह बेटा वाह, बॉडीगार्ड तेरे का तो ये रही रहा। देख रहे हो भाई यार, ये जो नमूने ट्रक के ऊपर ही सो गया। आजा बॉडीगार्ड, आजा जल्दी, आजा जल्दी, आजा बॉडीगार्ड जल्दी आजा। और ये मेरी वेदर की जो सिक्योरिटी है ना, ये भाई अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। चलो गाइस कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए गाड़ी को तुरंत ही लेकर के चलते हैं सीधा लेसर के पास, क्योंकि लेसर के जो अलावा है ना, वो कोई बंदा नहीं बता सकता हमको और प्लानिंग कर सकता है। एक लेसर ये भाई अपना अच्छा खासा दोस्त। चलो यार देख रहे हो, काम के टाइम पर भाई मेरे को लेसर याद आता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वही है भाई एक अपना। और हाँ यार, आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं टोटल 8000 लाइक का, तो फटाक से लाइक कर दो यार। चलो भाई, तुम्हारा भाई गाड़ी को लेकर के सीधा पहुंच चुका है अभी लेसर के सीक्रेट बेस में। और यहाँ से एक लेफ्ट की तरफ टर्न, टकरानी नहीं चाहिए, बच गई भाई। क्या खतरनाक ड्रिफ्ट लगी ना, मतलब इसको ड्रिफ्ट नहीं बोल सकते, स्किट बोल सकते हैं हल्की सी। और यहाँ पर लगाते हैं अपनी गाड़ी को जल्दी से। बॉडीगार्ड मेरी बात सुन, तू गाड़ी के अंदर ही बैठ रही हो, मैं फटाक झटाक से जो है ना लेसर के पास होकर के आता हूँ। भाई लेसर यार इतना खाता पीता रहता है, तभी भाई ये मोटा हो रहा है, देख रहो कूड़ा करकट सब कुछ ही फेंक दिया ना। और भाई मेरा तो फेस स्कैन लगा रखा है यार इसने, तो मेरे को दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। लो भाई मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर तो पेज हैरिस भी आई हुई है भाई, वो रहा लेसर। मेरे को लग रहा है ऑलरेडी गाइस ये जो लोग हैं, ये किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या किसी हाइस्ट के ऊपर। चलो भाई यहाँ पर लेसर को सारी बातें बताता है, मेरे को पता है यार उसको बातें तो पता चल ही चुकी होंगी। तो देखो भाई, अभी आप लोग जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये लेसर ने एक CCTV फुटेज रिकॉर्ड कर रखी थी ऑलरेडी। मेरे को पता था भाई लेसर को सारी बातें पता चल गई होंगी, क्योंकि लेसर को जो ना हर पल पल की खबर रहती है भाई। और भाई ये जो CCTV फुटेज में आप लोग देख रहे हो कि सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है, मतलब अगर हम आसमान से कूदेंगे ना, मतलब पैराशूट के द्वारा, तब भी भाई हम जो है यहाँ पर आराम से शूट डाउन किए जा सकते हैं, क्योंकि एयर डिफेंस जो सिस्टम है ना उस प्रिजन का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पे है। तो भाई लेसर अभी मेरे से ये बोल रहे हैं कि भाई कल देख, हेलीकॉप्टर से जाना तो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी क्या भाई, डायरेक्ट हमारी मौत हो जाएगी। और सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि सबमर्सिबल, जानते हो गाइस आप लोग, जो वाटर के अंदर चल सकती हैं, मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो सबमरीन बोल सकते हैं भाई। वो जो मेरी वेदर की बॉस था ना, वो मेरे से बोल रहा था, लेकिन उसकी सबमरीन इतनी बड़ी है ना,
मतलब कोई बंदा भी पता लगा लेगा कि पानी के अंदर क्या चल रहा है। और हाँ, लेसर ये भी बोल रहा है कि माइकल देख, ये जो काम है ना ट्रेवर को बचाने का, ये बस रात में हो सकता है, क्योंकि रात में जो सिक्योरिटी है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, तो रात में हमको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। सबमर्सिबल की तैयारी करनी पड़ेगी। चलो सबमर्सिबल की तैयारी करते हैं। और मेरे को पता है गाइस कौन बंदा है जो हमारी हेल्प कर सकता है, उसका नाम है बैनी। मैं बैनी से बोलने वाला हूँ कि बैनी यार जल्द से जल्दी एक ऐसी गाड़ी, गाड़ी क्या, कुछ ऐसी चीज़ बना जो पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में चल सके, क्योंकि जो सबमरीन्स होती है ना वो बड़ी बड़ी होती हैं, वो काफ़ी स्लो होती हैं भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 किलोमीटर की रफ्तार होती होगी उनकी, लेकिन जो बैनी से हम बनवाने वाला हूँ ना उसकी रफ्तार कम से कम 250 से 300 आसानी से पहुँच सकती है। बाकी चलो बैनी के पास पहुँच कर ही पता चलने वाला है। और हाँ यार, लेसर ये भी बोल रहा था कि माइकल फ्रैंकलिन की हेल्प ले लियो, तो मैंने साफ मना कर दिया है कि देख यार फ्रैंकलिन की हेल्प नहीं लेने वाला वो बंदा, उस बंदे ने मतलब ऑलरेडी मेरी इतनी ज़्यादा मदद करी है ना, तो इस टाइम मेरा बॉडीगार्ड मेरे साथ है। और वो रहा मेरा बॉडीगार्ड, पता नहीं कहाँ गया था, मेरे को लग रहा है सूसू करने के लिए गया था। अबे किस बिल्डिंग में करके आया बे, सामने वाली में करके आया क्या, इतनी बड़ी बिल्डिंग ना गिर जाए भाई ये। बाकी चलो अभी फिलहाल कर देख बॉडीगार्ड, नहीं अभी फिलहाल मैं इसको साथ लेकर के चलता हूँ, बीच रास्ते में बोल दूंगा बॉडीगार्ड जल्दी से गाड़ी के अंदर आकर के बैठ, बट जल्दी जल्दी तेजी में। चलो भाई ये जा करके बैठ चुका आराम से, लेट्स गो गाइज। अभी फिलहाल मैं चलता हूँ सीधा बैनी के पास, उससे एक अर्जेंट काम है। ये ड्राइवर की वजह से देख रहे होगा कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमको आ चुकी है, अगर मैं ड्राइवर को नहीं बचाऊंगा ना वो भाई पागल हो जाएगा, वैसी वो सन की है, प्रिजन में रहते रहते जो ना या तो उसको जान से मार देंगे, मेरे को पक्का पता है, उससे सहा तो जाएगा नहीं भाई। जो प्रिजन में होते हैं ना गाइस अलग ही गैंग होती है भाई अपनी अपनी, तो ड्राइवर देखो यार गैंग का मेंबर तो नहीं बनेगा और गैंग के बॉस को साथ है मारेगा, तो इसलिए डर भी लग रहा भाई मेरे को। तो भाई अभी जो ना मैंने अपने बॉडीगार्ड को बीच रास्ते में ड्रॉप कर दिया, क्योंकि भाई जो लेसर है ना उसने मेरे को एक बात और बताई थी कि मिलिट्री वालों के पास जो है ना एक ऐसी सबमरीन है जो कि भाई 2 से 3 हज़ार मीटर डाउन जा सकती है, तो वो तुम्हारी हेल्प जरूर से करेगी। तो इसलिए भाई फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बैनी के पास आया हूँ। ये सब सीन क्या चल रहा है भाई, हेलो एक सेकेंड रुक जाओ, गाड़ी को लगाते हैं यहाँ पर, और ये क्या है भाई, तो माफिया वाली गाड़ी नहीं लग रही। बहनी ने तो अपना जो बिजनेस है ना वो कुछ ज्यादा बड़ा कर लिया है, वाह भाई वाह। बाकी बहनी है कहाँ पर यार, चलो अच्छा ये यार बहनी अपना बिजनेस बड़ा कर रहा है, और यहाँ पर एक माइकल के पास मतलब छोटा सा शोरूम भी नहीं है यार, पूरे के पूरे शोरूम यार मैरी वेदर वालों ने जला कर राख कर दी थी, आपको पता होगा। और ये देख रहे हो भाई यहाँ पर बहन ने भाई कितना बढ़िया अपना ये जो ना जो भी कस्टमाइजेशन करी है, ये बैनी है कहाँ भाई, मेरे को अभी तक नहीं दिख रहा है। और मेरे को जो ना बैनी से साफ बोल देना है कि देख यार बैनी मेरे को तेरे से काफ़ी अर्जेंट काम है, तेरे को एक जो ना ऐसी मैं बता रहा हूँ ना गाइस, बैनी आराम से मॉडिफिकेशन कर देगा, एक ऐसी गाड़ी बना देगा जो कि भाई पानी के अंदर जा सकती है, और उसके अंदर अगर मिसाइल्स भी होंगे ना तो काफ़ी बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि जो अभी सबमरीन हम सर्च कर रहे हैं ना गाइस मिलिट्री वालों के पास, उसके अंदर मिसाइल्स नहीं है, वो डीप तो जा सकती है लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है भाई उसका मिसाइल विसाइल नहीं है। बाकी बैनी कहाँ पर है भाई, मैं सही बता रहा हूँ मेरा जो ना दिमाग खराब हो रहा है, उड़ रहा है तेरी, मेरे को लग रहा है नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं गाइज, एक बार जल्दी से नीचे की तरफ चल लेते हैं। भाई बैनी है कहाँ पर देख लो गाइज, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है बैनी से भी। भाई यार ये बैनी नमूना छिलका पता नहीं कहाँ पर क्या करने में लग रहा है, और लो भाई नीचे की तरफ आराम से अपनी बीवी के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है, अच्छा बातचीत करने में लग रहा है। चलो यार इससे मैं बताता हूँ क्या, देखो भाई बैनी से मैंने डायरेक्ट ही ये कहा है कि बैनी यार अभी जो ना मेरे को गाड़ी खतरनाक गाड़ी की जरूरत है जो कि भाई अंडर वाटर चल सके, तो ये बोल रहे कि माइकल देख उसको बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमशन हो सकता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग कम से कम 1.5 से 2 हफ्तों का टाइम लगेगा अगर ये अभी से ही काम स्टार्ट करेगा तो, और मेरे को तो यार आज क्या चाहिए। तो बैनी बोल रहे कि माइकल ड्रैगो किंग नाम का गाइस एक बंदा है, और वो जो बंदा है ना वो भाई कायो पेरिको का ड्रग लॉर्ड है। अब आपको तो ये भी पता होगा कि काफ़ी महीनों पहले भाई यहाँ पर जो ना मैंने एल रूबियो को धूल चटा दी थी, इतनी गंदी मौत मारा था ना भाई उसको, उसके बाद जितना भी सारा काम है ना मतलब ड्रग्स का वीड का वो सारा का सारा उसी बंदे ने संभाल रखा है जिसका नाम है ड्रैगो किंग। चलो देखते भाई कौन ही ड्रैगो किंग आया हुआ है कायो पेरिको के अंदर, और उसी के पास वो गाड़ी इस टाइम अवेलेबल है, तो अगर मैंने वो गाड़ी चुरा ली तो हम आराम से यहाँ पर ट्रैवर को बचा सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। बैनी तो यही बोल रहा है यार, और मेरे को ये काम करना भी पड़ेगा आज के आज, क्योंकि देखो यार जितना मैं ज़्यादा वेट करूँगा ना, देखो 1.5 से 2 हफ्तों का टाइम तो नहीं है मेरे पास कि
कि मैं 1.5 से 2 हफ्ते वेट करूंगा, फिर बैनी मॉडिफाइड करेगा तब मैं जाऊंगा। इतना तो मेरे को लग रहा है ट्रैवर को जो है ना, ये वो जो प्रिजन में लोग हैं वो जान से मार मार भी देंगे। बाकी अभी मैंने अपने बॉडीगार्ड को भेजा हुआ है मिलिट्री वालों के बेस में ताका झाकी करने के लिए कि उनका बेस कहाँ पर है, और मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट ही उसी ड्रग लॉर्ड के पास। कायो पेरी को नहीं, लेकिन उसका जो बिजनेस है ना, उसके जो चेले हैं वो लॉस सेंटोस में काम वाम करते हैं, ड्रग्स को बेचते हैं। बेनी बोल रहे हैं कि माइकल करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं एक एक महीने में। वाह भाई वाह, देखो यार इनका जो बेस है ना उस पर अगर मैं छापा मार दिया तो सीधी सी बात है मैं ड्रैगो किंग के पास आराम से पहुंच सकता हूँ। बहुत ज़्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। चलो डायरेक्ट ही चलते हैं ये कहाँ पर इन्होंने अपना बेस बना रखा है। तो देखो भाई अभी जो ना बैनी की जैसे जैसे बताई हुई जगह पर मैं पहुंच चुका हूँ, और उसने भाई मेरे को जो ना यही लोकेशन बताई थी। वो बोल रहा था कि देख माइकल कोई तेरे को ऑफिशियल बंदा देखने को नहीं मिलेगा, सब के सब कार्टून की तरह होंगे। कार्टून की तरह मेरे को देखो सामने की तरफ बंदे तो दिखे हैं। अब मैं इसे डायरेक्ट तो ये नहीं पूछने वाला कि भाई मेरे को जो ना तुम्हारे बॉस से बात करनी है, मैं इससे बस ये कहूँगा कि देखो यार मेरे को भी जो ना ड्रग्स खरीदना है, तभी भाई ये जो ना मेरे को अंदर जाने देंगे। ये अंदर जाने कहाँ देंगे भाई, और मेरे को पता भी नहीं है यही बंदे कौन है। वो है क्या सामने वाली बिल्डिंग भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी भाई ये क्या बना रखा है ना, फैक्ट्री टाइप है भाई कुछ। चलो इनसे बातचीत करते हैं और मैं पूछता हूँ कि भाई मेरे को जो ना ड्रग्स खरीदना है। अब देखो यार इन्होंने जो है ना मेरे से पहले थोड़े से पैसे मांगे हैं और मैंने इनको दे भी दिए हैं, क्योंकि अभी जो है ना मेरे को बस इनके बेस का पता लगाना है, बेस कहाँ पर है, और उस मैनेजर तक पहुँचना है जो सारा का सारा धंधा कर रहा है और जो इन सब के कॉन्टैक्ट में भी। ये देख रहे हो ये कंटेनर बाहर से देखो कितना नॉर्मल लग रहा है ना, कि एक सेकेंड मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो भाई बिल्कुल छोटा सा कंटेनर है, कोई बंदा नहीं पता लगा पाएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम भाई इसके अंदर जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यार ये जो बिजनेस है ना, ये जो ड्रग्स का बिजनेस है, काम करता कैसे है ये देखो भाई, अंडरग्राउंड बेस। वाह भाई वाह, मान गया भाई मैं इनको, कंटेनर का बस गेट इन लगा रखा है इन्होंने। और ये देख रहे हो भाई यहाँ पर काफी सारे बंदे काम करने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर भाई कुछ बंदे भी लोग भी आ रखे हैं मेरे को लग रहा है खरीदने के लिए। और यहाँ पर काफी मिलियंस ऑफ डॉलर की सेलिंग होती है पर दिन की। उरे तेरी, अंदर की तरफ कौन है भाई ये लोग, अंदर की तरफ तो गुंडागर्दी गैंग वैंग के बंदे बैठे हुए हैं, मेरे बात किससे करनी चाहिए। देखो जहाँ जाना तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो पर्दे पर्दे लग रखे हैं। चलो इधर चलते हैं, और उर्रे भाई लाइन में लगना पड़ेगा मेरे को लग रहा है यहाँ पर ड्रग्स खरीदने के लिए। ड्रग तो नहीं खरीदना है बल्कि इनको खिला और दूँ मैं चांटे मार के। अब देखो भाई जैसे ही मैं लाइन में लगा एक नमूने ने मेरे को पहचान लिया और ये मेरे से बोल रहा है तू तो माइकल है ना, मैंने तेरे को काफी बार देखा लॉस सैंटोस में दंगे करते हुए। दंगे करते हुए, और ये जो बीच में बंदा खड़ा है ना, ये जो टैटू वाला है, यही भाई यहाँ का मैनेजर है। और ये मेरे से बोल रहा है कि चुपचाप यहाँ से निकल जा, तेरे पास कुछ ही सेकंडों का टाइम है। और मैंने इससे बोल दिया कि देख भाई यहाँ पर मैं अगर आया हूँ ना तो पूरा पता करके जाऊँगा वो जो ड्रैगो किंग नाम का बंदा है वो कहाँ पर है। तो देखो भाई ये जो प्रिजन वाला बंदा, ये मेरे से बोल रहा है कि देख माइकल तू यहाँ पर अगर आया है ना तो अब बच के नहीं जा पाएगा, ये सोच रहे हैं कि ये मेरे को मार देंगे। बेटा इतने हल्के में ले रखा है क्या, इतने हल्के में। लो बेटा पिस्टल चलाऊंगा, बस पिस्टल समझ गए ना। तू भी निकल सबसे पहले, और अंकल जी आप भी निकलिए। और अरे अरे भाई साहब इन्होंने भाई किसके ऊपर गन चला दी, और अंकल जी आप कैसे खड़े हो भाई, आपके तो मैंने पैरों पे ही मार दिए। चलो और ये चिल्ला कौन रहा है, इतना चिल्ला कौन रहा है बेटा तुम यहाँ पर। अरे तेरी बेटा मेरे को मारोगे मेरे को। अरे 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 अंकल जी क्यों दुखी हो रहे हो भाई, भाई साहब इतना चिल्ला रहे थे ना भाई ये बंदे। और ये देख रहे हो भाई ये सारा का सारा वीड है, ड्रग है भाई, और लॉस एंटोस में भाई मिलियंस ऑफ डॉलर छापते हैं भाई ये पूरे दिन का। उसको तो मैंने पैर ही पैर बजाया था यार, मैं आराम से पूछ रहा तब तो उसने बताया नहीं, गुंडागर्दी और दिखा रहा था। तो देखो भाई ये मेरे से बोल रहा है कि माइकल तू बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहा है, वो जो नमूना है ना जिसके बारे में बता रहा है, मतलब वो जो ड्रैगो किंग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है। कोई नहीं बेटा कोई नहीं, तेरे को मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि तू उस बंदे को जा कर के ये बता पाए कि माइकल कौन था और माइकल क्या क्या कर सकता तेरे साथ, समझ गया ना। जा बेजा अभी कभी निकल जा कायो पेरी को। कायो पेरी को तो मैं भी जाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि वहाँ पर भाई मेरे को जो है गाड़ी लेकर के आनी है जो कि अंडर वाटर है, मतलब जो अंडर वाटर एक तरीके से काम करती है काफ़ी खतरनाक वाली। और यहाँ पर ये बंदे खड़े हुए थे ना, कहाँ चले गए। और
एक सेकंड, बॉडीगार्ड कॉल आ रहा है। देखो गाइस अभी जो ना बॉडीगार्ड ने पता निकाल लिया कि वो जो ओशन बेस है ना मिलिट्री वालों का वो कहाँ पर है, क्योंकि हमको भाई एक सबमरीन चुरानी है। और जैसे कि भाई यहाँ पर लेसन ने बताया था कि वो जो सबमरीन है ना जो मिलिट्री वालों के पास है वो भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और वो कम से कम 1 से 2 हज़ार मीटर तक मतलब डीप ओशन में जा सकती है, और वो अनडिटेक्टेबल है, तो काफ़ी खतरनाक है यार। चलो चलते हैं गाइस अभी सीधा। अब देखो यार मैं जो ना अपने बॉडीगार्ड के पास जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते भाई मेरे पास पुलिस ऑफिसर्स की कॉल आई है, और ये नामूना मेरे को नए पुलिस ऑफिस के अंदर बुला रहा है। पता नहीं क्या सीन है भाई इसके साथ भी। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को यहीं पर ही लगा दूँ क्या, यहीं पर लगा के चलते हैं डायरेक्ट अंदर की तरफ। भाई साहब ये इनका नया पुलिस ऑफिस है। देखो यार आपको एक बात और पता होगा, मतलब पता होगी कि लेडी जो पुलिस है ना, जो भाई लॉस एंजेलिस की पुलिस ऑफिसर थी काफ़ी बड़ी वाली, वो मारी जा चुकी है। वो भाई प्लेन ब्लास्ट में मरी थी, अगर आपको याद होगा तो काफ़ी खतरनाक हादसा था। वो भाई मेरे को बचाने के लिए आ रही थी उस टाइम, मेरी भाई किसी से फाइट चल रही थी यार। अब ये याद नहीं है भाई किससे फाइट चल रही थी। एक तो भाई अपने इतने गुंडे हैं ना भाई, फाइट चलती रहती है। ओ भाई साहब ये तो भाई लग्जरी ऑफिस टाइप का कुछ लग रहा है, काफ़ी तगड़ा पैसा खर्च किया है। चलो भाई इस भिखारी से पूछते हैं, मतलब इस नौकर से, कि यहाँ का बॉस कहाँ पर है। अरे भाई मैं इसको भिखारी और नौकर बोल रहा था, ये नया पुलिस ऑफिसर है। अरे भाई इसने सुना तो नहीं ना, इसके सामने भाई मैंने बोला था जस्ट, और ये मेरे से बोल रहे हैं कि माइकल देख आज से मैं नया पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ, तेरी दादागिरी के बारे में मेरे को पता है कि लॉस एंजेलिस में तूने क्या क्या कांड कर रखे हैं, और इसने जो ना मेरे को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि ये जो ना बता सके कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा अगर लॉस एंजेलिस में कुछ भी होगा तो। बेटा मेरी बात सुन, तू कोई भी है कुछ भी है, यहाँ पर हजारों आ चुके हैं, हजारों जा चुके हैं, लेकिन आज तक जो ना माइकल से टकराने वाला कोई नहीं है। तेरे में भी 2 चांटे मारूंगा और तू भी सीधा हो जाएगा भाई। हैकड़ियाँ जो है ना सबकी बाहर निकाल दूंगा। देख रहे हो माइकल का टाइम वेस्ट करने के लिए बोला है भाई यहाँ पर इसने, मन तो ऐसे कर रहा है कि गाइस इस सबके सामने पुलिस इसकी बेइज्जती कर दूँ, लेकिन नहीं यार अभी इसकी इज्जत करते हैं, और इसको अपने आप ही पता चल जाएगा टाइम टू टाइम कि माइकल की पावर क्या है। फिलहाल के लिए गाइस अपनी गाड़ी को लेकर के चलते हैं सीधा। और भाई उसने तो मेरे को यहीं पर ही बुलाया यार, देखो वो रहा भाई दिख गया भाई मेरे को। एक तो भाई इतनी टकली और चिकनी है ना भाई इसकी खोपड़ी, भाई दूर से चमक जाती है, अगर मैं बिल्डिंग पर खड़ा भी हो जाऊँगा ना तब भी भाई इसकी चिकनी जो टांट है वहाँ से भी चमक जाएगी। चलो भाई बाकी इससे बातचीत करते हैं जल्दी से, और मैं पूछता हूँ कि भाई तूने कहाँ पर और कैसे ढूंढा भाई वो मिलिट्री बेस, मतलब जो ओशन के बीच में है जहाँ पर हमको सबमरीन मिल सकती है। तो भाई अभी जो बॉडीगार्ड है वो मेरे से बोल रहे हैं कि माइकल ज़्यादा बातचीत मत कर और जल्दी से जा करके बैठ भाई बोट के अंदर, मैं तेरे को रास्ता बताता हूँ। आजा भाई आजा बॉडीगार्ड जल्दी से आ करके बैठ। मैं बता रहा हूँ यार जो डगन बोस ने किया है ना मतलब माइकल के साथ, एक नंबर, मतलब इतना तगड़ा बॉडीगार्ड दिया है भाई माइकल को, और इससे भाई डगन बॉस और माइकल की जो दोस्ती ना वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है यार। बाकी फिलहाल के लिए देखते हैं यार इसने कैसे पता लगा, इससे बातचीत करते हैं। अभी देखो यार जो बॉडीगार्ड है ना वो मेरे को लेकर के आ चुका है ये जो ऑयल पेट्रोल बेस है ना भाई, हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ना ज़्यादा ब्लास्ट ना हो, ये तो पूरा का पूरा बेस ख़त्म हो जाएगा भाई ये, क्योंकि यहाँ पर ऑयल की प्रोडक्शन होती है। मेरे को नहीं समझ आ रहा कि भाई ये ओशन के ऊपर कैसे कर रहे हैं यार बिल्कुल, लेकिन हमको जो ना ये काम तो करना पड़ेगा। बॉडीगार्ड मेरी बात सुन, अगर तू ऊपर आ सकता तो ऊपर आ जा। हाँ तेरे को ऊपर आनी पड़ेगा भाई, तेरे को मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं जो ना इनसे मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी खतरनाक बंदे हैं। चलो भाई अभी फ़िलहाल मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, ये बॉडीगार्ड कहाँ रह गया भाई? इसने देखो ये तैर रहा, अबे क्या वाटर पार्क समझ रखा है क्या तू? तो भाई मजे से तैर रहा है। देखो यार हम जो है यहाँ पर ऊपर तो आ चुके हैं, और ये रहा बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड को इतनी चुल मच रही है ना, इसने भाई पहली गन हाथ में निकाल ली। वाह बेटा वाह, ये तो अलग ही किस्म का बंदा है। हमको बस एक बार जो ना वो सबमरीन देखनी है, वो सबमरीन है कहाँ पर? देखो भाई मिलिट्री वालों की सबमरीन है तो कुछ ना कुछ खास तो होगा ही, कुछ ना कुछ क्या, नॉर्मल सबमरीन से तो बिल्कुल अलग होने वाली है। ये है कहाँ पर? बॉडीगार्ड पीछे की तरफ ही है, मैंने उससे वैसे बोल दिया कि बिल्कुल अलर्ट रही हो। नहीं नहीं इसके आसपास नहीं जा सकते हैं। और हाँ यार ये जितने भी आप लोग बड़े बड़े कैन देख रहे हो ना, इनके अंदर पेट्रोल और डीजल भर रखा है। अगर मैंने इनके अंदर एक चिंगारी मार दी ना, मतलब माचिस की तिल्ली भी फेंक दी, ये पूरा बेस जल कर राख होने वाला है। आराम से बंदे कहाँ पर है? बंदे तो नहीं है ना आसपास, तो बंदे नहीं दिख रहे। वो देखो बॉडीगार्ड वहाँ पर है, तो मैं इधर चलता हूँ आराम से। ये फान सकता हूँ क्या? मैं फान तो सकता हूँ, और कोई है भी नहीं। अरे भाई
लिटरली भाई वो उसको दिखा तो नहीं ना, वो देख रहे हो उधर की तरफ, एक सेकंड कैमरा नहीं जा रहा यार, वो देखो उधर की तरफ भाई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। अच्छा वो भाई उसकी जो है ना मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी है, गाड़ी कहाँ पर है, हमको गाड़ी देखनी है भाई जल्दी जल्दी। अब देखो यार यहाँ पर जो ना मैं जैसे तैसे करके सम्बरीन के पास तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो वो जो नीचे की तरफ सम्बरीन है ना, वो जो येलो कलर की है, वो सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर या 100 मीटर जा सकती है, ये जो सम्बरीन है ना ये 2000 मीटर तक नीचे जा सकती है। इसका मतलब ये कि अगर हम वहाँ पर फंसते भी है ना, पुलिस वाले और मिलिट्री वाले हमारे पीछे पड़ते हैं, तो ये जो सम्बरीन है वो 2000 मीटर तक जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी मतलब ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और वो बंदा देख रहे हो, उस बंदे की मैं खोपड़ी लाल करने वाला हूँ, वो देखो एक बार, ये देख रहे हो भाई क्या कर रहा है यहाँ पर। अबे टकले नीचे आ जा भाई जल्दी से, ये ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत की बात आ सकती है। और भाई क्या चल रहा है, हो गया भाई हो गया काम, हो गया हो गया। गाइस मेरे को पहले ही पता था भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ सीन होने वाला है। एक तो भाई इतने चोड़ में खड़ा हुआ ना ऊपर, बॉडीगार्ड लड़ने में लग रहा है। देखो गाइस अब जो ना मेरे को भी यहाँ पर शांत नहीं बैठना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ भाई क्यों ना बॉडीगार्ड की थोड़ी हेल्प करी जाए। और ये जो लोग है ना ये क्या कर रहे हो भाई, क्या कर क्या रहे हो, तू भी निकले आज, एक एक गोली खेलें, एक एक गोली की खेलें सारी सर। 3 गोली में 3 बंदे मैंने यहाँ पर निपटा दिए हैं, और उधर की तरफ तो भाई काफी ज्यादा गोलियां चल रही हैं। मेरे को बस ये नहीं भूलना है कि देखो यार ये जो है ना पूरा का पूरा ऑयल पेट्रोलियम बेस है, तो यहाँ पर अगर कुछ भी हुआ ना तो दिक्कत की बात आ सकती है। अंकल जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई, क्या ड्रामा व्रामा चल रहा है क्या। और एक बंदे रहा, तू भी निकल अंकल जी यहाँ से। और कहाँ पर है, कहाँ पर है, एक फोड़ के देखो क्या। अरे भाई गया गया भाई गया, ब्लास्ट होने वाला है भाई, गैस मैंने क्या कर दिया भाई ये। एक सेकंड कहाँ पर है बंदा, ये रहा तू भी निकल बेटा यहाँ से। ओ, 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 एक भाई कोई मार रहा है मेरे को। गाइस यहाँ पर बेस जलना रेडी हो चुका है, वो रहा भाई जल गया। अरे भाई साहब भाई पूरा बेस फटने वाला है ये, गाइस पूरा का पूरा गए 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 भाई। बॉडीगार्ड जल्दी नीचे उतर भाई। गाइस यहाँ पर मैं तो इसके अंदर जाकर के बैठता हूँ जल्दी से, क्योंकि 2 बंदों की सीटें, इसके 4 बंदों की सीटें भाई। वाह भाई वाह, काफी बढ़िया बात हो चुकी है भाई, पूरा बेस जल रहा है। तो भाई यहाँ पर बॉडीगार्ड भी आकर के बैठ चुका है, लेकिन मेरे को पता है भाई पीछे की तरफ जो है थोड़ी आग बुझ चुकी है, लेकिन उधर की तरफ जो है काफी ज्यादा लग रही है। भाई मैं तो यहाँ से लेकर के चलता हूँ जल्दी से। अरे भाई गया पूरा का पूरा बेस जल चुका है, और हमने जैसे तैसे करके ये जो सम्ब्रेन ने ये चुरा लिया है काफी बढ़िया तरीके से। बॉडीगार्ड तू जो है जब ज्यादा जो है ना वो मुंह मत खोला कर, तेरी वजह से जो है ना आज यहाँ पर बहुत ज्यादा मुसीबत होने वाली थी। चलो गाइस सम्बरीन को थोड़ा नीचे की तरफ लेकर के चलते हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या से क्या कर सकती है। लेट्स गो गाइस, ये देख रो 2000 मीटर मतलब भाई बहुत नीचे होता, बहुत ज्यादा फायदे वाली बात हो चुकी है, और ये 4 सीटर है। तो भाई जोनी यहाँ पर इतना ज्यादा खुश हो रहा है ना कि ये सम्बरीन हम चुरा करके लेके आ चुके हैं, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जोनी अपने बंदों को छुड़ाना चाहता है, और वो पहले से काफी ज्यादा गुंडे लोग हैं, तो मैं नहीं चाहता भाई इसके जो बंदे हैं ना वो भी उस प्रिजन से भागे। तो उसके लिए गाइस हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस सम्बरीन को मैं यहाँ पर इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि इस सम्बरीन को इस बेस के अलावा मैं कहीं और नहीं लेके जा सकता, सारे में पुलिस ही पुलिस है, और ये मैरी वेदर का इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बेस है, यहाँ पर कोई बंदा मतलब कोई पुलिस वाले चेकिंग करने के लिए भी नहीं आते, देख रहे हो। चल आ जा भाई जल्दी जल्दी आ जा भाई, और क्या नाम है बॉडीगार्ड जल्दी से बाइक के ऊपर आकर के बैठ, लेट्स गो भाई। लोग तुम्हारा भाई और साथ के साथ बॉडीगार्ड जो है ना अब निकलने वाले हैं सीधा कायो पेरिको के लिए, क्योंकि देखो यार एक काम हमारा हो चुका है, हमने वो जो सम्बरीन है ना 4 बंदों के लिए वो तो चुरा लिया है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि इस सम्बरीन के अंदर जो है ना एक भी वेपन नहीं लग रखी है, और इसीलिए उस वेपन की कमी को पूरा करने के लिए जो बैनी ने बताया था ना भाई एक बंदे के बारे में, उसी बंदे के पास हम जा रहे हैं। कायो पेरिको के अंदर का जिसका काफी ज्यादा एक ड्रग बेस है। देखो भाई वो जो एलरूबियो था ना उसके मरने के बाद पूरा का पूरा जो बिजनेस है ना उसने संभाल लिया। मेरे को तो लगा था भाई अगर देखो एलरूबियो मर गया तो पूरा का पूरा उसका बिजनेस भी मर गया होगा, लेकिन एलरूबियो ने ऑलरेडी अपने इतने चेले फैला रखे थे ना, गजब का ही सीन है। तो यार बॉडीगार्ड ये बोल रहे हैं कि भाई कल मेरे को डर लग रहा है। अबे काहे का बॉडीगार्ड है बे तू, फिर डर क्यों लग रहा है, अबे टकले से मारियो ना सब, टकला चमका दियो सबको, अपने आप ही पागल हो जाएंगे सबके सब। बाकी भाई मैंने पहली बार देखा कि मेरे बॉडीगार्ड को भी डर लग रहा है एलरूबियो से। बेटा एलरूबियो मारा जा चुका है यार, ये एलरूबियो से अब डर रहा है, जो कि भाई माइकल जो है ना कितने सालों पहले एलरूबियो, सालों तो नहीं हुए अभी कुछ महीने पहले भाई एलरूबियो को बहुत कुत्ते की ढाल मारा था,
बाकी एक सेकंड रुक जाओ गाइस, ये इन्हीं का बेस है जहाँ पर भाई ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, और वो जो बंदा है ना वो मेरे को ड्रैगो किंग नाम का, वो यहीं पर ही मिलने वाला है, और वो जो गाड़ी है वो भी जिसके बारे में बैनी बात कर रहा था। तो चलो यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ से चल के देखा जाए कि वो गाड़ी इस टाइम कहाँ पर है, और मैं कहीं से आगे की तरफ देख पा रहा हूँ कि कुछ बंदे लोग मेरे को दिख रहे हैं, और आराम से आराम से आराम से, उरे भाई साहब यहाँ तो डीलिंग वीलिंग चलने में लग रही है काफ़ी खतरनाक वाली है। ये देख रहे हो भाई, जब एल रूबियो के टाइम पर यहाँ पर पूरा का पूरा साफ रहता था ये एरिया, मतलब कोई बंदा नहीं रहता था यहाँ पर, मतलब गिने चुने रहते थे, लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर अलग अलग बंदे लोग आते हैं डीलिंग करने के लिए, मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करके जाते हैं। ये देखो भाई यहाँ पर, ये देख रहे हो भाई साहब, आराम से आराम से आराम से, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला। उरे ये क्या सीन पड़ा हुआ, नीचे की तरफ एक बंदा भी पड़ा हुआ, और यहाँ तो लॉस्ट गैंग वाले बंदे लग रहे हैं गाइस मेरे को, पता नहीं क्यों। हाँ ये तो लॉस्ट ही है, देख रहे हो यहाँ पर पूरा डीलिंग चलने में लग रही है। मैं बता रहा हूँ गाइस, ये जो ड्रग का बिजनेस है ना इनका, ये भाई मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं दिन के अंदर। तो हमको जो ना आराम से वो गाड़ी देखनी है, वो गाड़ी कहाँ पर है, एक सेकेंड, वो गाड़ी है किधर यार, मेरे को तो कहीं पर भी नहीं दिख रही है, और इन बंदों के जो है ना सामने बिल्कुल भी नहीं जाना, इन्होंने देख लिया तो सही बता रहा हूँ यहाँ पर जो ना काफ़ी बड़ा युद्ध हो जाएगा भाई, और कुछ नहीं होगा। चलो 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 आराम से पीछे की तरफ चलते हैं, आ जा बॉडीगार्ड पीछे आ जा भाई जल्दी से। हरियाली इतनी ज़्यादा ना गाइस कायो पेरिको के अंदर के, भाई मेरा जो है ना मन खुश हो जाता है, ना कोई पोल्यूशन ना कोई कुछ, और ये पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है, उधर की तरफ ये लोग डीलिंग वीलिंग करने में लग रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा भाई यहाँ पर कुछ होगा भी। और ये देख रहे हो ये छोटे छोटे हैंगर वैंगर से हैं, मतलब ये जो पुराने ज़माने के क्या बना रखा भाई, ये इसी के अंदर भाई ये ड्रग्स व्रग्स बनाते हैं। बाकी क्या करें क्या करें, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है गाइज। और ये भाई ये पिटवाएगा, देख रहे हो मैं आराम आराम चल रहा हूँ, और ये नमूना भाई फुल चौड़ में चल रहा है। थोड़ा और आगे की तरफ चल के देखते हैं, क्या पता भाई कुछ सबूत तो मिले तभी तो भाई यहाँ पर कुछ करें भाई हम भी। गाड़ी तो दिखे भाई, पहले इनको मार करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आराम से भाई। नहीं भाई नहीं गाइज, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, वो गाड़ी तो यहाँ पर नहीं है, और मैंने पूरी कोशिश कर ली है, वो गाड़ी मेरे को कहीं पर भी नहीं दिख रही है, कहीं पर भी। तो यहाँ जंगल इतना ज़्यादा बड़ा है, देख रहे हो भाई कैसे जंगलों में से भाई क्या हो, कहाँ फंस गया। देखो भाई वो जो गाड़ी है ना, वो बॉडी गार्ड ने पता तो निकाल लिया कि वो कहाँ पर। ओ भाई ये बंदा पीछे देखने वाला था, ये देख रहे हो भाई इस कंटेनर के अंदर गाड़ी है, लेकिन इसकी चाबी हमारे पास नहीं है, और जो चाबी है ना वो इन्हीं में से किसी बंदे के पास होने वाली है। अब देखो बॉडी गार्ड तो ये बोल रहे हैं कि भाई कल सबको मारते हैं, और फटाक झटाक जितनी जल्दी हो सकता है ना गाड़ी को लेकर के चलते हैं, रात भी होने वाली है, और रात होने से पहले पहले जो है ना गाइस हमको वो प्रिजन भी विजिट करना है। विजिट क्या करना है भाई, कोई टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है, मतलब ड्राइवर को बचा करके लेकर आना है। बॉडीगार्ड तेरे साथ रहते रहते जो ना मेरी बुद्धि भी भाई घास चरने जा चुकी है, क्या किया जाए यार। ये तो बोल रहा है माइकल मार भाई, डायरेक्ट मार। बॉडीगार्ड तू तो गन निकाल लेता, लेकिन मेरी हालत खराब हो जाती है भाई यहाँ पर। देखो भाई हालत खराब होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बंदे बहुत ज्यादा हैं, और मैं भी यहाँ पर जो ना सबको मारना स्टार्ट करने वाला हूँ। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, सबसे पहले जो ना यहाँ पर मैं मोलोटो करने वाला हूँ, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। मोलोटो है क्या, क्या चीज़ है ये, गैस के कैन, जितने भी आराम से, गैस कैन नहीं है भाई, गैस कैन नहीं, हाँ ये है गैस कैन। आराम से एक यहाँ पर फेंका, एक यहाँ पर फेंका, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है। आराम से कवर में रहिए, कवर में रहिए बॉडीगार्ड, तो कवर में रहे गए, सब पागल हो चुके हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं भाई गैस कैन। चलो गए चलो, काफी ज्यादा गैस कैन तो हमने यहाँ पर फेंक दिए हैं, अब टाइम आ चुका है यहाँ पर इनकी बत्ती गुल करने का। ये देखो चलो बेटा चलो, सबके सब निकलो यहाँ से, बॉडीगार्ड पीछे हो जा पीछे हो जा। गाइस उन बंदों को पता चल चुका है तुम्हारी ऐसी की तैसी, चलो 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 आगे आगे आगे, बंदे आगे बंदे आगे। अबे तुम मारोगे मेरे को भाई, लॉस्ट वालों तुम तो भाई वैसी, और कहाँ से पड़ रही हैं, आ गए भाई आ गए, जिनका मैं वेट कर रहा था वही आ चुके हैं। इनका यहाँ पर एक बॉस है, और मेरे को भाई ये गाड़ी चाहिए, मेरे को नहीं पता ट्रैवर को बचाने के लिए भाई मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और एक सेकंड रुक जाओ, तुम ऐसे बाज नहीं आने वाले, और इनको जो है ना एक यहाँ पर गोला डालना पड़ेगा। चलो भाई निकलो, गोला मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तुम यहाँ पर डीलिंग करोगे ड्रग की डीलिंग। अरे भाई बॉडीगार्ड साइड हो जाए, नहीं तो उड़ उड़ जाएगा फालतू में। चलो गाइस यहाँ पर जो मैंने आग लगा दिया भाई, ये का कौन बोल रहा है, गाली किसने दी भाई, गाली दोगे पिथवाड़े पे जो ना, इतनी गोली भरूँ इतनी गोली भरूँगा के भूल जाओगे भाई के। चलो भाई दो बंदे थे यहाँ पर, दोनों को मैंने सुझा दिया है, और तो कोई नहीं ना, ये टैंकर वैंकर फोड़ो,
चलो भाई चलो, आज तो भाई यहाँ पर जो ना ब्लास्ट होने वाला है। अपना बॉडीगार्ड भाई सबको पेलने में लगा पड़ा है। मैं भी थोड़ा आगे तरफ चल के देता हूँ और आराम से बॉडीगार्ड यहाँ पर जो ना, अरे 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 भैया क्या क्या करने, प्रेशर बन रहा है क्या? इसको देखो, प्रेशर बन रहा है क्या? प्रेशर बन रहा है भाई। यहाँ पर आधे बंदे बीडी मारने में लग रहे हैं, आधों को पता ही नहीं है यहाँ पर हुआ क्या है। ये देख रहे हो, ये होता है भाई नशे की लत है भाई, ये नशे की लत। बॉडीगार्ड साइड हो जा, नहीं तो आज भाई तुम नहीं बचने वाले। ये गन मैंने स्पेशली इनके लिए खरीदी है भाई, ताकि इनको जो ना मैं यहाँ पर भूत बना सकूँ। चलो 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 निकलो यहाँ से। एक हेरा बेटा, खोपड़ी इतनी तोड़ू है ना कि, चलो भाई खोपड़ी मैंने यहाँ पर सुने सबकी खोल दी है। लॉस्ट वाले बंदे भाई यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आए थे इनसे, और ये बंद इसको पकड़ना है, इसको पकड़ इसे पैर पर गोली मार, इससे पता करेंगे कि यहाँ पर गाड़ी की चाबी कहाँ पर है। मैं मर के कैसे नहीं दे रहा भाई साहब, जिगल पिगल कर रहा भाई। तो उड़ रहा तेरी भाई, पबजी प्लेयर लग रहा है। तो देखो मेरे को चाबी तो मिल चुकी है, और ये जो नमून है ना, ये मेरे से बोल रहा है कि देख तू कोई भी है, हमारे जो किंग है ना ड्रैगो किंग, वो तेरे को उखाड़ के रख देगा। अब बाकी बाद की बाद में देखेंगे। उखाड़ेगा, निकलना है यहाँ से, मेरे को उखाड़ेगा, देख रहो भाई साहब। मतलब डरते भी वरते भी तो नहीं है। चलो गाइस गाड़ी के अंदर यहाँ पर मैं बैठ चुका हूँ, आ जा भाई जल्दी से। गाइस गाड़ी दिखने में देख रहे हो कितनी कैसी लग रही है भाई, पुराने ज़माने की, लेकिन इसकी खास बात भी है। आ जा भाई आज जल्दी से आकर के बैठ, लेट्स गो, 3 2 1 एंड चलो भाई। तुम्हारे भाई ने यहाँ पर इसका सबमरीन मोड ऑन कर दिया है, और ये देख रहे हो भाई साहब क्या गाड़ी है ना, एक नंबर की है। और हाँ गाइस, इसके अंदर लॉन्चर भी है, दिखाऊँ क्या? देख रो पानी ब्लास्ट है भाई, ब्लास्ट। एक सेकंड मैं जो ना थोड़ा डीप ओशन में चलते हैं, तब मैं आपको दिखाता हूँ। ओ भाई सब गाइस, ये देख रहे हो भाई गाड़ी कितनी तगड़ी लग रही है ना। आराम से इसको सबसे पहले नीचे की तरफ लेकर के चलते हैं। और हाँ भाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ मिसाइल, देखना कहाँ पर जा रहा है। आराम से अगर मिसाइल कहीं पर मार तो वो जा रहा और वो फटेगा, और फटा। ये देखो भाई, सामने से कोई भी सम्ब्रीन आएगी ना भाई, इसका मिसाइल इतना खतरनाक है, ये चुटकियों में भाई फाड़ के रख देगी भाई किसी भी सम्ब्रीन को भाई। और मैं एक सेकंड में कितने भी भाई यहाँ पर मिसाइल लॉन्च कर सकता हूँ, और अनलिमिटेड मिसाइल पता नहीं कितने हैं, लेकिन जितने भी लोड होते हैं उससे भाई हमको काम चलाना पड़ेगा। देखो भाई रात के अंधेरे में कैसी लग रही है भाई अपनी सम्ब्रीन, ये देख रहे हो। ओ भाई साहब, एक नंबर की गाड़ी है भाई, एक नंबर की। चलो गाइस इसको जो है ना थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर के चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ पर आ चुके हैं। ये देखो भाई हम आ चुके हैं गाइस अभी। यार ये क्या चीज़ है भाई, इसको कंट्रोल करना भी तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। एक सेकंड आराम से कहाँ पर है भाई ये बंदा? तो गाइस अभी जल्दी से जोनी से बात करते हैं, रात हो चुकी है, और इसको लेकर के चलते हैं अपने साथ सीधा उसी प्रिजन में, जिस प्रिजन में ट्रैवलर अभी बंद है। चलो, और अपनी सम्ब्रीन भी यहीं पर ही होने वाली है। हाँ, वो मैंने आगे की तरफ बड़ी कर रखी है। देखो यार, दो बंदे इसके अंदर आ सकते हैं, चार बंदे उसके अंदर, हम तीन तो हो जाएंगे। मैं अपने बॉडीगार्ड को मतलब साथ लेकर के चलने वाला हूँ, मैं बॉडीगार्ड और साथ में जोनी है ना, वो जाने वाले हैं उसी प्रिजन के अंदर, और ट्रैवर को लेकर के आएंगे, और एक दोस्त के भी दोस्त हैं। कहाँ पर है जोनी? तो देखो यार सामने की तरफ देख रहे हो भाई, लाइट हाउस भी है और प्रिजन भी है, तो भाई मैं ऊपर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मेरे साथ गाइस अभी जो है ना जोनी आया हुआ है, मतलब मैरी वेदर की सिक्योरिटी का बंदा, मतलब सिक्योरिटी का बॉस। और वो देख रहे हो पीछे की तरफ, वो भाई मेरा बॉडी गार्ड है, जो कि ऊपर की तरफ चला रहा है अपनी सम्ब्रीन को। भाई अगर फंसे ना तो कभी भी यार ये जो मिशन है ये पूरा नहीं हो पाएगा, और रात के 12 बज रहे हैं। आराम से गाइस, मैं सोच रहा हूँ और डीप चलते हैं, ताकि किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाए। भाई ये गाड़ी जो ना इतनी एडवांस है, और यहाँ पर मेरे को जो ना आरपीजी बिल्कुल भी नहीं चलानी, ना तो लोचा हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों ने एक बात और नोटिस करी है, मैंने जो ना प्रिजन की आउटफिट पहन ली है बीच रास्ते में से, ताकि हम गाइस एक प्लानिंग के अनुसार चलने वाले हैं। देखो भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से जो ना मैं आ चुका हूँ यहाँ पर उसी प्रिजन के। भाई अपनी गाड़ी देख रहे हो भाई, मैं प्रिजन के बहुत ज़्यादा पास आ चुका हूँ, और वो जो लाइट हाउस है ना वो नज़र रखे हुए है। आराम से अपनी गाड़ियों करते हैं गाड़ी मोड में, और यहाँ से आराम चलते हो रहे भाई। बूस्टर क्यों मार दिया मैंने? आराम से भाई, ये गाड़ी जो है ना इतनी ज़्यादा स्लिप हो रही है, इसको ऊपर नहीं लेके जा सकते, तो हमको यहीं पर ही छोड़नी पड़ेगी। चल भाई चल, जोनी उतर जा। जोनी का भेस देख रहे हो भाई साहब, दाढ़ी वाड़ी काट के एकदम बच्चा लग रहा है ये बिल्कुल। और बॉडी गार्ड कहाँ रह गया यार, ये बॉडी गार्ड कहाँ रह गया, कहीं पर भी नहीं दिख रहा। वो आ रहा, देख रहे हो गाइस, छोटा सा आ रहा है यार।
मैं फोन वोन कुछ नहीं लाऊंगा जहां पर, बस एक दो गन्स रख के लाया हूँ ताकि किसी को पता ना चले। और हाँ यार, मैंने प्रिजन की आउटफिट इसलिए पहनी है ताकि हम जो है ना गार्ड के सामने ऐसी एक्टिंग करेंगे कि हम उन्हीं में से ही कोई प्रिजनर्स हैं, और जब गार्ड्स हमको देखेंगे तो सीधी सी बात है अंदर की तरफ लेके जाएंगे और हमको प्रिजन में डाल देंगे। एक बार हमको बस प्रिजन के अंदर जाना है। और वो देखो बॉडी गार्ड भाई पानी के अंदर मजे से घूमता घूमता आ रहा है, और वैसे भी बॉडी गार्ड ऊपर नहीं जाने वाला, वो बाहर की तरफ ही वेट करेगा। आ जा भाई तू, आ ऊपर की तरफ। तो देखो भाई अभी माइकल और ये जो जॉनी है ना, ये भाई नशे में होने की वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं ताकि ये जो बंदे हैं इनको लगे कि नशा करके जो ना ये कैसे ना कैसे करके बाहर आ गए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जॉनी को मार क्यों नहीं देता मैरी वेदर की बॉस को, इसको मारेंगे नहीं क्योंकि इसको जो सिक्योरिटी है ना वो भाई ना तो मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, इसकी सिक्योरिटी को मैं पागल बनाने वाला हूँ इस तरीके से। देखो भाई मैं इसको प्रिजन के अंदर तो लेके आ चुका हूँ, लेकिन ये प्रिजन से बाहर नहीं जाने वाला, मैं वो सिर्फ ट्रैवर जाएंगे बाहर। आ जा बेटा आ जा, ये तो एक तरीके से चाल है भाई यहाँ तक इसको लाने की। सामने तरफ सिक्योरिटी भी खड़ी हुई है, उनके सामने मैं ऐसी एक्टिंग करूँगा कि मैं इन्हीं में से एक प्रिजनर हूँ और गलती से बाहर आ गया, और तब भाई ये देखते हैं कैसा रिएक्शन होने वाला है। जॉनी बेटा तू भी आ जा जल्दी से, चलो चलो चलो। हाँ भाई हाँ, थोड़ा नशे में। हाँ, ये एक्टिंग काफ़ी बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया माइकल, बहुत ज़्यादा बढ़िया। चलो भाई इनके, मैं सोच रहा हूँ इनके टाट पे गिर जाऊंगे। अरे सर सर सर, मैं गलती से बाहर आ गया, आप मेरे को जल्दी से अंदर की तरफ जेल में डाल दो प्लीज। तो चलो भाई काम बन चुका, ये बंदा बोले सिक्योरिटी के मेरे पीछे तू बाहर आया कैसे, ये भी पागल हो चुका, ये कह रहा कि बाहर आ कैसे गया भाई कोई प्रिजनर। ये देख रहे हो भाई साहब माइकल की एक्टिंग एक नंबर, तू भी आ जाओ छिलके, थोड़ी एक्टिंग कर ले, इतने चाटे बजाऊंगा ना तेरे में। बेटा टोपा पहन के आ गया है, पता नहीं क्या सीन है, सर्दी तो हो भी नहीं थी, अकल का अंधा है भाई बिल्कुल ये बंदा। बाकी चलो चलो चलो, माइकल एक नंबर की एक्टिंग कर रहा है, आराम से आराम से आराम, थोड़ा भगते भी भाई यहाँ से। और सर क्या हाल चाल है भाई, सबके सब मेरे से पूछ रहे हैं कि ये प्रिजनर बाहर आ कैसे गया भाई प्रिजन के। किसी को मालूम नहीं है कि हम भाई प्रिजनर है ही नहीं, हम ट्रैवर को यहाँ पर छुड़ाने के लिए आए हैं। अब है भाई इतना भी नशे में बोलने के लिए भी नहीं कहा था कि भाई दीवार से टकरा के चल भी ना पाए। देखो भाई ये जो ऑफिसर है ना, इसने मेरे से ये बोल दिया कि देखो तुमको अगर अंदर जाना है सोना है तो सो सकते हो, नहीं तो तुम बाहर की तरफ जा करके काम भी कर सकते हो। भाई साहब यार ये कैसी प्रिजन है भाई, मतलब मैं मानता हूँ यार लॉस एंडो से काफी ज्यादा दूर है, तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि यहाँ से भाई बंदे भागेंगे ही नहीं। फुल छूट दे रखी है, मेरे को लग रहा है अब जो ना मेरे को अपनी एक्टिंग थोड़ी बंद करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी काफी ज्यादा है भाई यहाँ पर। लेकिन अरे अरे आराम से आराम से आराम से, ये देख रहे हो भाई। तो चलो भाई अभी फिलहाल के लिए अपने नॉर्मल मोड में आ जाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्रैवर को देखने वाला हूँ। देखो भाई गन तो मैं पूरी लेकर के आया हूँ। हाँ भाई चेले ज्यादा फालतू बोल रहे हैं क्या बेटा, गन हाथ में फालतू बोलेगा मेरे से फालतू, अब भाग जा भाई यहाँ से, ये तो ऐसी चटनी बनाऊंगा ना तुम्हारी सबकी। बाकी ट्रैवर कहाँ पर है गाइस, यहाँ पर मेरे को बस ट्रैवर देखना है, इतने सारे प्रिजनर्स यहाँ पर बाहर घूमने में लग रहे हैं। मेरे को एक बात ये समझ नहीं आ रही कि भाई यहाँ पर अंधे, मैं बता रहा हूँ गाइस कोई भी प्रिजन हो ना कोई भी, रात के टाइम किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता कि बाहर घूमो, लेकिन अब ये प्रिजन है ही भाई ओशन के ऊपर, तो सीधी सी बात है यहाँ पर इसलिए अलाउड है भाई, यहाँ पर लोग काम भी करते हैं। ये रहा भाई ट्रैवर, मिल गया गाइस ये रहा ट्रैवर। और ट्रैवर मेरे को तेरी इतनी याद आ रही थी ना भाई, ये देखो भाई कैसी हालत हो चुकी है इसकी, बिल्कुल भिखारी से लग रहा है भाई शक्ल से। तो ये ट्रैवर तू ही है ना, हाँ है तो ट्रैवर ही, मेरे को जानता है ट्रैवर। तो भाई यहाँ पर आप लोग ट्रैवर को देख रहे हो, ट्रैवर भाई बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है। ट्रैवर बोल रहे हैं कि माइकल तूने भाई मेरी ज़िंदगी बदल दी। हाँ ट्रैवर ठीक है ज़्यादा फालतू की बातें मत कर अब। और हाँ गाइज ये जोनी ये मेरे से बोल रहे हैं कि माइकल टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, ये चोर सी शक्ल का बंदा देख रहे हो ये जोनी का दोस्त है, लेकिन निकले तो भाई तभी ना जब यहाँ से भागने का मौका मिले, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हो गन देखो भाई, हर बंदे की मतलब बंदा बोल रहा हूँ हर सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में एक स्टन गन है, हर सिक्योरिटी जितनी भी आप लोग को दिख रही है ना आगे तक, तो यहाँ पर भागने की कोशिश भी नहीं कर सकते। और ऊपर की तरफ हेलीकॉप्टर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, कोई ना कोई प्लानिंग बनानी पड़ेगी यार। और एक सेकंड रुक जाओ, ये सब सीन क्या चल रहा है गाइस, यहाँ पर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ लोचा हुआ भाई यहाँ पर। अरे भाई यहाँ पर ये क्या चल रहा है गाइस, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ सीन हुआ। ट्रैवल तो ताली बजाना बंद करेगा भाई, एक सेकंड, मेरे को लग रहा है गाइस कुछ ना कुछ तो सीन हुआ यहाँ पर। बताऊँ क्यों, इनको पता तो नहीं चल गया ना कि यहाँ पर इलीगल प्रिजनर्स घुसे हैं। गाइज ये कुछ अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, तो गाइज अभी जो ना बहुत ज्यादा गंदा सीन हो चुका है यहाँ पर, सारे के सारे जितने भी कैदी है ना उनको बुला लिया गया है। इनको ये पता चल चुका है कि गाइज यहाँ पर जो ना दो घुसपैठी घुस चुके हैं, जिसमें से मैं और ये जो
कहा गया ये जोनी, मैं और जोनी है, मैं और जोनी है, और ये देख रहे ऊपर की तरफ हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर लगा दिया गया है भाई यहाँ पर सब कुछ, और दो यहाँ पर कार्गोज भी उड़ रहे हैं। अब सबकी चेकिंग होने वाली है भाई, सबकी चेकिंग होगी सबकी, जिसके पास भी गन निकलती है या कोई भी हथियार तो गाइज उसको जो ना ये जान से मार देंगे। भाई मेरे पास देख रहे हो कितनी सारी वेपन से, क्या करूँ, यहाँ पर भीड़ देख रहे हो भाई, अंधी भीड़ है भाई अंधी, सबको बुला लिया भाई और आधों को मार भी दिया है। सामने की तरफ देखो भाई, क्या करूँ क्या करूँ, ट्रैवर मेरे आंखों के सामने है यार, हमको निकलना पड़ेगा जैसे जैसे करके, सिक्योरिटी टाइट है, क्या किया जाए कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो भाई बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अरे भाई साहब ये क्या सीन हो गया। तो गाइस यहाँ पर अचानक से बहुत खतरनाक ब्लास्ट हुआ है, और अब भाई यहाँ पर जो ना तुम्हारी ऐसी कम ऐसी कौन है भाई, दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो चुके हैं, अब नहीं बचने वाले भाई कोई भी। ट्रैवर उठ के मार भाई सब में, मार 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 ट्रैवर मार जल्दी से। गाइस यहाँ पर ट्रैवर पीछे की तरफ संभाल रहा है और मैं संभाल दूँ थोड़ा आगे की तरफ। चलो 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 खोपड़ी सुजा करके रख दूँ। हाँ ये काम किसके है भाई, गाइस किसी ना किसी ने हेलीकॉप्टर को हैक करा बहुत बहुत ही खतरनाक तरीके से, दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर भाई क्रैश होकर के नीचे गिरे हैं। और भाई मैं तो बिल्कुल अच्छा वो गाइस यहाँ पर मेरे ऊपर नहीं गिरे हैं, मेरे को नहीं पता गाइस यहाँ पर जोनी बचा है नहीं बचा, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा सीन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर इतनी खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हुए ना। और अंकल जी आप भी निकले यहाँ से, चलो 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 भाई जल्द जल्दी जो है ना हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे भाई ये कौन चला रहा है भाई, ये तो आरपीजी चल रही है, ये ट्रैवर होगा मेरे को लग रहा है। जोनी मर गया क्या गाइस, मेरे को लग रहा है यहाँ पर जोनी मारा जा चुका है, मेरे को नहीं पता भाई, सब के सब प्रिजनर्स मारे गए हैं भाई बहुत खतरनाक तरीके से। अबे यार ट्रैवर निकल यहाँ से। गाइस यहाँ पर जो ना काफी गंदा सीन हो रखा है। तो गाइस हमने जो ना यहाँ पर काफी हद तक बंदे मार दिए हैं। ट्रैवर चल भाई चल, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तू और मैं ही बचे हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। ये देख रहे हो भाई कि कुछ किसी ही देर में, मतलब कुछ ही देर में यहाँ पर ये जोनी है भाई, जोनी यहाँ पर बच गया, ये टोपी वाला जोनी है क्या। तो भाई जोनी ये बोल रहे कि माइकल जल्द जल्दी यहाँ से निकल, इसका दोस्त मारा जा चुका है। सॉरी भाई जोनी, लेकिन मैं तेरे को यहाँ से नहीं लेके जा सकता। ट्रैवर छोड़ आज गाइस, यहाँ पर मैंने जोनी के पैर ही पैर बजा दिया, मारा नहीं है बस पैर बजाए हैं। चल भाई चल ट्रैवर निकल जल्दी यहाँ से। यहाँ से जैसे जैसे करके एग्जिट हम हो चुके हैं और ट्रैवर ऑलरेडी बाहर की तरफ है। बेटा गेट खोलो जल्दी से, बाहर की तरफ भी गाइस काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, तो सबको हम मारने वाले हैं एक एक करके। गेट ओपन होंगे नहीं होंगे गाइस, गेट ऑटोमेटिक है और ऑन हो चुका है तुम्हारी ऐसी कम तैसी। चलो 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 बाकी भाई साहब आ जाए ट्रैवर जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है बाकी। ओ ट्रैवर ने गाइस काफी सारे बंदों को मारा, काफी सारे, और मैंने भाई यहाँ पर जो ना काफ़ी सारी सिक्योरिटी को सुजा सुजा कर रख दिया है। और तो कोई नहीं है ना, एक यहाँ पर भी है। बेटा रुक जा रुक जा, तेरी तो खोपड़ी लाल करके रख दूँ। अपनी गाड़ी गाइस रेडी है और बॉडीगार्ड की भी गाइस यहाँ पर कॉल आ रही है, बॉडीगार्ड भी गाइस यहाँ पर जाने के लिए रेडी हो चुका। और अंदर भी, अंदर तक बंदे फैल चुके अंदर तक। और तो कोई नहीं ना बाकी यहाँ पर, तो कोई नहीं लग रहा मेरे को। बेटा गेट खोलो। नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं है इसमें। और एक बार देख लेते हैं यहाँ पर तो नहीं ना गाइस, पूरी की पूरी प्रिजन में जो है हमने इतनी बर्बादी करके रख दिया ट्रैवर को बचाने के लिए, मेरे को अब तक भरोसा नहीं हो रहा है। और एक सेकेंड सिक्योरिटी अब भी ज़्यादा है गाइस यहाँ पर। ट्रैवर जल्दी निकल भाई जल्दी से गाइस, ट्रैवर अब भी अंदर की तरफ फंस रहा है। मैं बॉडीगार्ड को बुलाता हूँ जल्दी से, समरीन को छोड़ करके गाइस यहाँ। नहीं 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 समरीन गाड़ी में बस दो ही सीट है, आई थिंक मैंने गाड़ी इधर की तरफ ही पार्क कर दी। देखो भाई अंधेरे का टाइम है और किसी को कुछ पता नहीं कि हमने यहाँ पर किया क्या है। जब सुबह होगी ना तब यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर दुर्घटना हो चुकी है। नहीं 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 आराम से है अपनी गाड़ी हरी, और आराम से ड्राइवर आराम से मरमूर मत जाइयो। और अपना बॉडी गार्ड कहाँ पर है भाई, बॉडी गार्ड बोल रहा था कि वो आसपास ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर जल्दी से आकर के बैठ, चलो गाइस यहाँ से तुरंत से तुरंत हमको निकलना पड़ेगा। और ये मैंने सबमरीन मोड में डाल दिया है, काफ़ी बढ़िया बात हो चुकी है। कोई है तो नहीं ना, हमने तो भाई मिलिट्री वालों से जो ना फालतू में चुराई वो सबमरीन, उसको तो कुछ काम ही नहीं है। बाकी बॉडीगार्ड भी भाई यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी कर रहा था बाहर की तरफ से, ये गया किधर। लेट्स गो गाइस, अभी पूरी रात हो रही है, मैं डायरेक्टली घर जाने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पर सुबह हो चुकी है और फाइनली भाई यहाँ पर मैंने ट्रैवर को जैसे तैसे करके बचा तो लिया। लेकिन भाई ये जो पुलिस वाले हैं ना, एक सेकेंड रुक जाओ, ये सामने तरफ पुलिस मेरे घर पर तो नहीं आ रही ना यार ये। भाई नहीं यार नहीं, इस बार कुछ लोचा नहीं होना चाहिए यार। मैं यार परेशान आ चुका हूँ गाइस लड़ते लड़ते, मेरे को ये देखना है कि भाई मेरे घर पे तो नहीं आ रही ना ये। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा हुआ कि भाई ये जो है ये अपना सीधा निकल चुके हैं और पीछे की तरफ
वो भी भाई सीधा निकल चुकी गाड़ी। चलो यार अच्छा है, मेरे को लग रहा है गाइस किसी ना किसी बंदे को पकड़ने के लिए ये निकले होंगे। मेरे को लगा कि भाई यहाँ पर जो दोबारा से ये माइकल के पीछे ना पड़ जाए यार, क्योंकि जो लॉस एंडोस का नया पुलिस ऑफिसर है ना यार, उसने मेरे को पहली चेतावनी दे दी थी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो भी होगा देख लिया जाएगा। और ये दोनों है किधर भाई? देखो ये तो रीमेड यहाँ पर, Has और everyone एमेंडा भी यहाँ finished? पर, और ये देखो भाई यहाँ पर ये अपना अलग ही मस्ती में है। एमेंडा ने मेरे लिए जूस बनाया है। अबे भाई टकले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख लो भाई काउच Tell पे me about कौन your सो रहा friend. है? Right. ट्रेवर, Yeah, बहुत actually, ज्यादा are you थक ready चुका यार yet? ट्रेवर। Yeah. चल ठीक है भाई ट्रेवर, Obviously, अब your सुबह हो question is चुकी for है, me. अब भाई यहाँ से जो Or ना your निकलने का bridge टाइम आ between चुका, the मतलब past मेरे and को now. तो नहीं निकलना, लेकिन Suddenly, इन can you दोनों को यहाँ से stop? निकालना है, क्योंकि भाई अब जो ना मैं थोड़ा सा आराम करने वाला हूँ। देखो भाई पूरी रात जो ना मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाया हूँ कभी। ओ भाई मेरे को अभी भाई पुलिस वालों की जो ना सायरन की आवाज आ रही। चलो कोई नहीं, जैसे जैसे करके हमने ट्रैवल को तो बचा लिया है। तो चलो गाइस आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना है। पढ़ो अच्छे लगे, अच्छा लगेगा चैनल अपने सब्सक्राइब मार देना। मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस मैं से बात करने के लिए आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड से ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड से मैं ऑनलाइन रहता हूँ। और हाँ मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want.